नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। गाय भैंस में तनाव हो जाना, तनाव यानी कि स्ट्रेस, यह किसी वजह से हो सकता है। पशुओं में मौसम के असामान्य परिवर्तन जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन या इम्यूनिटी वीक हो जाए या लीवर की फंक्शनिंग कमजोर हो, आंतों में इन्फेक्शन हो, भूख की कमी हो जाए या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पशु चरना बंद कर देते हैं, उनकी भूख कम हो जाती है, साथ ही वह निडाल हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में पशुओं का दूध का उत्पादन काफी कम हो जाता है। इस समय में हमें कुछ उपाय करने चाहिए, उनमें से एक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, यह बड़ी कारगर है। यह एनरमैक जो लिक्विड फॉर्म में है, यह पशुओं के अंदर जो स्ट्रेस से है उससे मुक्ति दिलाएगा, साथ ही साथ डिहाइड्रेशन में यह काफी कारगर रहता है। गर्मी के मौसम में पशुओं का हाफना, यानी कि जब वह गर्मी में अधिक गर्मी के अंदर रहते हैं, इस वजह से उनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है या कभी कभी उनमें हाफने की भी शिकायत काफी लंबे समय तक रहती है। ऐसे समय में पशुओं की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, साथ ही उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, लीवर की फंक्शनिंग कमजोर हो जाती है और उनकी भूख में कमी आ जाती है। इस वजह से दूध का उत्पादन काफी तेजी से घटने लग जाता है। ऐसे समय में यह बहुत ही कारगर दवाई है। इसकी डोज किस तरीके से दी जाए, 100 ml बड़े पशु को यानी कि दुधारू पशुओं को 100 ml की खुराक एक दिन में दी जानी चाहिए और छोटे पशुओं को 50 ml प्रतिदिन की खुराक दे। इसके साथ ही साथ यदि अधिक समस्या है तो इस खुराक को डबल किया जा सकता है। मुझे ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाए, अन्य पशुपालक मित्रों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपका कोई कमेंट हो, शिकायत हो, सुझाव हो तो वह भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे, हम उनका जवाब जरूर से देंगे। धन्यवाद दोस्तों।